अस्सलामुअलैकुम जनाब स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और लर्नर्स। हमने चैप्टर को शुरू किया था, 10th चैप्टर को शुरू किया था, किंगडम एनिमिलिया का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के हवाले से हमने शुरू किया था। और हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने इस चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे रेडियल क्लीवेज और बायोलेटर क्लीवेज के अबाउट लेक्चर दिया था। उम्मीद है आप लोगों को वो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। और हम आप आगे चलते हैं जनाब अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और जो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है अपने जाफर्स बायोलॉजी पे, वो क्या है जनाब? डिफरेंस पेश करना है ड्यूटेरियोस्टोम्स के दरमियान और प्रोटोस्टोम्स के दरमियान। ये बताना है कि प्रोटोस्टोम्स क्या है, ड्यूटेरियोस्टोम्स क्या है, दोनों के अबाउट बात करनी है, ताकि हम बात कर सकें कि जनाब स्लोमस क्या है, स्लोम क्या है, कैविटी वगैरह के बहुत बात करें। तो जनाब ये नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। इस लेक्चर में हम बात करना चाहते हैं, इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूं, आप जाफर्स बायोलॉजी को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ये तो जरूरी है, और इसको लाइक और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि ये चैनल दोस्तों आपके दोस्तों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके और मेरे हर आने वाले वीडियो लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल स्क्रीन पे सबसे पहले आपको मिल सके। तो जनाब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रोटोस्टोम्स की तरफ, ड्यूटेरियोस्टोम्स की तरफ। प्रोटोस्टोम्स क्या है? प्रोटोस्टोम्स ये है, अब देखो एक एनिमल है जो कि स्पर्म भी रिलीज करता है, एग भी रिलीज करता है। दोनों स्पर्म और एग रिलीज करने के बाद वो जायगोट बनाते हैं। जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, उस जाइगोट में होता क्या है जनाब? क्लीवेज होती है और वो सेल जो है जाइगोट माइटोसिस के जरिए क्लीव होता है। क्यों होता है जनाब? माइटोसिस जरिए क्लीव होता है, एक तो दो सेल कन्वर्ट होता। तो जो तो पहला भी जाइगोट माइटोसिस जरिए कन्वर्ट होता, एक तो दो सेल माइटोसिस जरिए कन्वर्ट होता। हर बढ़ने वाले सेल नु की आख्या जाता जनाब? ब्लास्टोमर आख्या जाता। की आख्या जाता जनाब? ब्लास्टोमर। क्या कहते हैं हम उसको? ब्लास्टोमर कहते हैं हर वो सेल जो के जाइगोट में क्लीवेज के बाद बनता है उसे ब्लास्टोमर कहा जाता है। अब वो जो क्लीवेज हो रही है, वो जो पहली क्लीवेज हो रही है जो ब्लास्टोमर बना रही है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं कि प्रोटोस्टोम्स में वो क्लीवेज कौन सी होती है जनाब? ड्यूटेरियोस्टोम्स में वो क्लीवेज कौन सी होती है? हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाई है, एट सेल स्टेज की बात की है। पहली क्लीवेज हुई, एक से दो बना, दूसरी क्लीवेज हुई, दो से चार बना, तीसरी क्लीवेज हुई, चार से आठ बना। आठ सेल स्टेज पे, एट सेल स्टेज पे क्लीवेज को देखा तो हमने क्या देखा कि कौन सी क्लीवेज है जनाब? वो प्रोटोस्टोम में क्लीवेज है। आठ सेल स्टेज में क्या है? स्पाइरल है और डिटर्मिनेट है। डिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होती है? जो कि डिटर्मिन कर दे कि आने वाले वक्त में क्या बनने वाला है, कौन से हिस्से से कौन सा पार्ट बनने वाला है, उसकी बात करते हैं। डिटर्मिन है उसको डिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं। और ड्यूटेरियोस्टोम में क्या है कि वो क्लीवेज जो है वो रेडियल क्लीवेज है और इनडिटर्मिनेट है, जो कि बाद में डिटर्मिन ना कर सके। अभी बात करनी है रेडियल क्लीवेज क्या है, स्पाइरल क्लीवेज क्या है, दोनों में फर्क देख रहे हैं। ये भी मैंने एट सेल स्टेज बनाया है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये आठ सेल स्टेज है। आठ ऊपर पड़े, चार ऊपर पड़े, चार नीचे पड़े, एक ऊपर टेयर बनी हुई है चार सेल्स की, एक नीचे टेयर पड़ी हुई है चार ब्लास्टोमर्स की। यहां पर बिल्कुल ऐसा है ड्यूटेरियोस्टोम में, आठ सेल स्टेज है, एट सेल स्टेज है, फोर जो सेल्स हैं ब्लास्टोमर्स के ऊपर मैंने टीयर दिखाई है, फोर नीचे दिखाई है। अब होता क्या है इनमें, क्या होता है जनाब कि स्पाइरल क्लीवेज में जो ऊपर वाली टीयर पड़ी हुई सेल्स की और जो नीचे पड़ी हुई है उनकी क्लीवेज एक प्लेन में नहीं आ रही। देखें कि ये इन फोर सेल्स की क्लीवेज यहां पर गुजर रही है, लेकिन इन फोर की सेल्स की क्लीवेज यहां पर गुजर रही है। ये अगर दोनों, अब देखें रेडियल क्लीवेज में देखें तो इस फोर सेल के ऊपर वाले की और नीचे वाले की क्लीवेज एक ही डायरेक्शन में जा रही है। आप देख रहे हैं ये फोर सेल जिनमें ब्लू कलर से जाहिर किया है और ये पीछे जो है मैंने ब्लैक छोड़ दिया है, इनकी क्लीवेज एक लाइन में शो हो रही है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर। यहां पे देखें रेडियल क्लीवेज में ये ऊपर वाला सेल और ये नीचे वाला सेल एक दूसरे के ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये पीछे वाले के ऊपर होगा। मतलब चारों सेल ऊपर वाले चारों ब्लास्टोमर, नीचे वाले चारों ब्लास्टोमर के बिल्कुल एक दूसरे की डायरेक्शन में पड़े हुए हैं, एक दूसरे की डायरेक्शन में क्लीवेज हो रही है। लेकिन यहां पे अगर हम देखते हैं तो एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं है, ऊपर वाले चार सेल्स की, इन चार सेल्स की डायरेक्शन यहां पे क्लीवेज आ रही है, यहां पे ये एक सेल दूसरे सेल खत्म हो रहा है, तो इसका नीचे वाले की यहां पे क्लीवेज आ रही है, इसकी यहां पे आ रही है। मीन कि ये देखें कि ये चार टेयर जो ऊपर पड़ी ब्लास्टोमर्स की और ये जो नीचे चार सेल्स वाली टेयर पड़ी हुई है ये एक दूसरे के सीध में नहीं है, इसको इसके सीध में होना चाहिए था, इसको इसके सीध में होना चाहिए था। फुल अगर ये इसके सीध में होता तो ये रेडियल क्लीवेज थी। अब ये देखें
ये वाला सेल ब्लास्टोमर इसके पास भी कुछ, इसके भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, मील के ये क्लीवेज किस तरह जा रही है, यूं करके आती है और यूं करके आती है, मतलब ये द्विघात के रोटेशन देखें कि यहां पे ये सेल बन रहा है, क्लीव हो रहा है, फिर यूं करके यूं आ रही है, मीन ये यूं करके क्लीवेज यूं करके मूव कर रही है, तो दैट मीन कि ये स्पाइरल क्लीवेज है। स्पाइरल क्लीवेज में ऊपर वाले टेल के जो सेल्स ब्लास्टोमर्स पड़े हुए नीचे वाले की बिल्कुल सीध में नहीं होते, बल्कि नीचे वाले दो सेल्स को वो टच कर रहे हैं, तो वो क्लीवेज क्या है जो है वो स्पाइरल की शक्ल में जो है वो मूव हो रही है, लेकिन रेडियल क्लीवेज में ऊपर वाले सेल जो है नीचे वाले की समत में आ रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में क्लीव हो रहे हैं। तो जब दोनों एक डायरेक्शन में क्लीव हों ऊपर और नीचे वाले सेल्स, तो वो क्या कहलाता है, रेडियल क्लीवेज कहलाती है। दोनों टेयर एक डायरेक्शन में बने, और जब दोनों एक टेयर में ना बने, दोनों टेयर एक डायरेक्शन में ना बने, तो वो क्या कहलाती है, स्पाइरल क्लीवेज है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लीवेज, जब क्लीवेज होती है सेल्स क्लीव होते रहते हैं, ढेर सारे ब्लास्टोमर्स बन जाते हैं, और होता क्या है, वो ब्लास्टोमर एक साइड पे ब्लास्टोपोर लिप पड़ा होता है, ब्लास्टोपोर बोटलनेक सेल्स पड़े होते हैं, यहां पे बोटलनेक से थोड़ा लंबूतरे सेल्स हैं, ठीक है, ये जहां पे बोटलनेक सेल्स पड़े होते हैं वहां से सेल्स अंदर की जाने माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, गैस्ट्रोलेशन उनकी शुरू हो जाती है, वो अंदर की तरफ माइग्रेशन शुरू कर देते हैं। जब अंदर की तरफ माइग्रेशन करते हैं तो अंदर की जाने में एक कैविटी बना लेते हैं, यहां पे भी आपको एक कैविटी बनती नजर आ रही है, यहां पे भी आपको एक कैविटी बनती नजर आ रही है, इस कैविटी को ये जो सेल्स ब्लास्टोमोर में जो है वो अंदर की जाने मूव करके एक कैविटी बना दी, और इधर भी दोनों तरफ एक कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को प्रिमिटिव गट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव गट कहते हैं, क्योंकि ये वो है जिनमें स्लोम पाई जाती है, ड्यूटोरियोस्टोम्स भी वो है जिनमें स्लोम पाई जाती है, प्रोटेगिस्टोम भी वो है जिनमें सिलोम पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है, एसोलोमेट्स की तो यहां पे बात ही नहीं हो रही, एसोलोमेट्स कहते हैं जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होती, तो यहां पे भी सिलोम पाई जा रही है, यहां पे भी सिलोम पाई जा रही है, ये भी सिलोमेट है, यहां पे ये भी सिलोमेट है, इनमें भी बॉडी कैविटी है, इनमें भी बॉडी कैविटी पाई जाती है, यहां पे भी मेजोरमल सेल्स है, यहां पे भी डिफरेंस ये करना है कि यहां पे जो बॉडी कैविटी बनती है वो किससे डेवलप हो रही है, जहां पे प्रोटीरियोस्टोम्स में जो बॉडी कैविटी बनती है वो किससे डेवलप हो रही है। तो प्रोटीरियोस्टोम्स में क्या होता है, प्रोटीरियोस्टोम्स में क्या होता है कि बॉडी कैविटी जो है वो यहां पे अंदर की जानिब एक कैविटी डेवलप होती है जिसे प्रिमिटिव गट कहते हैं, डेवलप जरूर हो रही है, उसे आर्केंटिनॉन भी कहते हैं, यहां पे भी आर्केंटिनॉन बन रही है, यहां पे भी, कहां से बनेगी, ब्लास्टोपोर में से, ब्लास्टो यहां पे ये एक्चुअली राउंडेड शेप में थी, बिल्कुल इस तरह राउंडेड शेप में थी, लेकिन एक जगह पे कुछ लंबूतरे सेल्स पड़े थे, उन लंबूतरे वो एक जगह पे लंबूतरे सेल्स पड़े थे वो बोटल नेक सेल्स कहलाते हैं, बोटल नेक सेल्स वो मकाम है जहां से सेल्स अंदर की जाने मूव करना शुरू करते हैं, सेल्स ने अंदर की जाने मूव करना शुरू किया और आर्केंटिनॉन बना दी, अंदर की जाने में कैविटी बना दी जिसे आर्केंटिनॉन और प्रिमिटिव गट कहते हैं। अब अगर सिलोम इस आर्केंटिनॉन से बनती है, अगर सिलोम इस प्रिमिटिव गट से बनती है फिर तो वो सिलोमेट होते, वो तो ड्यूटोरियोस्टोम्स होते, लेकिन यहां पे वो इससे नहीं बनती बल्कि सेल्स ब्लास्टोपोर से, ये जो मकाम बनाया है यहाँ पे जो पोर बना है इसको ब्लास्टोपोर कहते हैं, क्योंकि ब्लास्टोमर्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे पोर बना है, ब्लास्टोपोर कहलाता है। इसमें से कुछ सेल्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, स्प्लिट होके वो क्या बना रहे हैं, मेसोडर्म बना रहे हैं, और वही मेसोडर्म आगे जो है मेसोडर्म से वो क्या है उसके साथ कैविटी बन रही है, ब्लास्टोपोर में से सेल्स स्प्लिट होके अलग एक कैविटी बना रहे हैं, ये मैंने ब्लू कलर से शो किया है, इसको शाइजोम सेल्स कहते हैं, जो है वो फास्ट किस्म की झूठी किस्म की कैविटी के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ब्लास्टो जो आर्केंटिनॉन है उसी में से ही सेल्स, ये मैंने रेड कलर के आर्केंटिनॉन को शो किया है, उसमें से आउट पोचिंग होगी, आउट पॉकटन की वजह से यहां पे ये कैविटी बनती है, ये ट्रू सिलोम जो है वो बन जाती है, तो ये आर्केंटिनॉन से जो है वो कैविटी बनती है, बॉडी कैविटी बनती है, उसे इंटेरोसाइलस कहते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या है कि ये इसमें प्रोटोस्टोम्स में जो जो है वो क्या है, ब्लास्टोपोर है, वो क्या बनाता है, प्रोटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ बनाता है, इंटीरियर रीजन बनाता है, ये इंटीरियर रीजन है, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन क्या है, टेल वाली साइड का रीजन है, तो ब्लास्टोपोर जो है वो क्या बनाता है, माउथ बनाता है, किसमें, प्रोटोस्टोम्स में, लेकिन ड्यूटेरियोस्टोम में ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ नहीं बनाता, वो एनस बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि माउथ अगर बनाता है
तो वो किधर से बनाता है? ब्लास्टोपोर से तो नहीं बनता, वो ब्लास्टोपोर से एनस बनती है, ब्लास्टोपोर से थोड़ा साइड पे पड़े हुए सेल्स जो है वो माउथ बना रहे हैं। ये ड्यूटोरियस स्टोन की बात कर रहा हूं, ड्यूटोरियस स्टोन में ब्लास्टोपोर एनस बनाता है, माउथ साइड पे बनता है, लेकिन प्रोटोस्टोन में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर जो है वही माउथ बना रहा है और एनस जो है वो ब्लास्टोपोर की अपोजिट साइड पोल है, पोस्टीरियर रीजन जो है वहां पे डेवलप होती है। अगर हम बात करते प्रोटोस्टोन की एग्जांपल्स की, ये किस किस में पाए जाते, कौन कौन से हैं, ये मोलस्का हैं, राउंडवर्म्स हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडा फाइलम से तलर होते हैं, हम आगे डिटेल में उनसे बात करेंगे हर एक फाइलम के मुतालिक। जबकि ड्यूटेरियस स्टोन में बात करते हैं इकाइनोटर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का बहुत बात करते हैं। जनाब ये मेरा लेक्चर था किसके, प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरियोस्टोम्स के। आप लोगों को लेक्चर जरूर पसंद आएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। जाफर बायोलॉजी को अल्लाह हाफिज़।